अजय जी, सबसे पहले आपसे कैसे सीड के बारे में जानना चाहूँगा। कैसे सीड में हमने इस वीक के स्टार्टिंग में 6600-6700 के भी लेवल्स आते हुए देखे थे दिसंबर वायदा के अंदर, लेकिन एक बार फिर से देख रहे हैं कि वो लेवल्स कहीं ना कहीं खोते हुए नजर आए और फिर से एक रेंज बाउंड देखने को मिला और कैसे सीड 6500 के घरों में कारोबार करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है यहाँ से अब कैसे सीड में तेजी कब तक बन पाएगी और कितनी? देखिए, सबसे पहले अगर कैस्टर की बात करें तो परफॉर्मेंस हमने पिछले 6-8 महीने में काफी अच्छा परफॉर्मेंस बनते हुए देखा। कैस्टर के अंदर रैली भी अच्छी आई। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि 6400 का जो लेवल था वो काफी इंपॉर्टेंट था। टेक्निकली इस वक्त भी अगर हम देखें तो 6400 के ऊपर बिल्कुल प्राइसेस बने हुए हैं। तो अनलेस एंड अंटिल 6400 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, आई थिंक मार्केट में तेजी कंटिन्यू रहेगी। पिछले एक महीने में 5.5% की तेजी देखी, या जनवरी से अगर हम बात करें तो करीबन 45% से ज्यादा की हमने तेजी कंटिन्यू देखी है। सपोर्ट हमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो इस बार स्विंग हुई है उसमें गिरावट आई है। पिछले 2 साल से हमने स्विंग में गिरावट देखी है। जो कैस्टर ऑयल है इसकी डिमांड ज्यादा है। पिछले साल अगर ध्यान है तो अगस्त के अंदर हमने देखा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक अलर्ट जारी किया था कि चाइना सबसे ज्यादा कैस्टर ऑयल इंडिया से बाय कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ इंडिया और चाइना की जो रिलेशंस है वो थोड़े फ्रेजाइल एज पे है, जिसकी वजह से हम डिमांड बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे। डोमेस्टिक डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है पोस्ट पैंडेमिक को लेकर। बट ओवरऑल अगर हम अगले 2-3 महीने की अवधि की बात करें तो टेक्निकली 6400 के ऊपर मार्केट बहुत अच्छा सपोर्टेड है। डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है और कहीं ना कहीं प्राइसेस आगे जाकर 6850 से 7000 तक का भी लेवल दिखा देगा। कभी मान अगर हम 1-2 दिन की बात करें तो आई थिंक 6400 के स्टॉप लॉस से 6500-6520 पे लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट जो रहेगा वो 6640 से 50 का रहेगा।